स्मृति, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ झारखंड में चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को। इसे मैंने झारखंड के करंट अफेयर से लिया है और मैंने आपसे कहा था कि हर संडे को मैं करंट अफेयर की क्लासेस को दूंगी, तो ये करंट अफेयर का ये मेरा पहला क्लास है जो झारखंड एसएससी सीजीएल पे बेस्ड है। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा जो झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारियों में लगे हैं और उन स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा जो झारखंड पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, झारखंड में इस प्रकार की योजनाएं क्यों चलाई जा रही हैं, जैसे कि मैंने आज के योजनाओं में शामिल किया है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो झारखंड में चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं को लाने का क्या कारण था सरकार का? सरकार ने झारखंड के लोगों के विकास के लिए उनके हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाओं को लेकर आते हैं। झारखंड जो है हमेशा अलग अलग समस्याओं से जूझता रहा है, जैसे कि गरीबी की समस्या हो गई, साक्षरता कमी, जो झारखंड में साक्षरता दर जो है वो बहुत ही कम है अन्य राज्यों की अपेक्षा, तो वैसी साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी योजनाओं को लाया जाता है। बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत सारी योजनाओं को लाया जाता है और ये सभी समस्याएं हैं झारखंड की। कृषि से संबंधित समस्या से झारखंड जो है वो जूझ रहा है हमेशा। झारखंड में प्रत्येक वर्ष जो है कोई ना कोई क्षेत्र ऐसा होता है जो सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है, या फिर झारखंड के किसानों में जागरूकता का भी अभाव है। उनको उचित जो तकनीक होती है कृषि के लिए अपनाई जाने वाली, जो कृषि को उन्नत बनाती है, वैसी तकनीक का ज्ञान की भी आवश्यकता है। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर के आया है और उन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को हम लोगों को पढ़ना है, जानना है। इसलिए भी जानना है कि आप इस राज्य के निवासी हैं और इसलिए भी जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे प्रश्न जो हैं वो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं इसको डिटेल में बताते चलूंगी। ये तो कुछ बातें हो गई झारखंड की समस्याओं से, लेकिन टाइम टू टाइम झारखंड की समस्याओं से रूबरू भी होंगे हम लोग और विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में लेते हैं जो योजना है वो है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना जो है वो भारत के किस राज्य में चलाई जा रही है। तो ये है झारखंड राज्य में चलाई जा रही योजना है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। किसके लिए चलाई जा रही है? तो जो संकटग्रस्त किसान है झारखंड में उनके लिए चलाई जा रही योजना है। कौन क्या क्या लाभ उनको मिलेगा, चलिए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2019 को हुई है। किसके द्वारा हुई है? तो झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि संकट को खत्म करना और किसानों को संकट से उबारना। जो कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसानों के पास उन्नत किस्म की बीज होगी या सिंचाई के उन्नत साधन उपलब्ध होंगे या फिर उनको बिजली की व्यवस्था उनके पास सही तरीके से होगी, तो ऑब्वियसली जो झारखंड की जो कृषि है उसमें उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और इससे लाभ किसको होगा? तो लाभ किसान को होगा और साथ साथ सरकार को भी इससे लाभ होगा। अगर देश की राज्य की जनता अगर खुशहाल होती है तो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कम होती है। तो किसानों को संकट से उबारने के लिए जो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना जो है वो लाया गया है। अब क्या है इसमें लाभ किसको कैसे मिलेगा? तो किसानों को खरीफ फसल के लिए, जिसमें धान जो खरीफ महत्वपूर्ण फसल है धान, तो लेकिन खरीफ फसल के लिए हाँ मेंशन किया गया है, खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। और ये किसके द्वारा दिया जाएगा? तो डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वैसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम की भूमि हो, 5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले किसानों को ये लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर किसान के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो तो उसको प्रति एकड़ 5,000 रुपये जो है वो खरीफ फसल के लिए दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से लाभ मिलेगा। और कैसे, किसके द्वारा दिया जाएगा, किसके माध्यम से दिया जाएगा? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो ये तरीका जो है जिसमें क्या होता है कि किसान जिनको लाभ मिल रहा होता है उनका एक बैंक अकाउंट होता है,
तो उनका जो बैंक अकाउंट होता है वो आधार कार्ड से लिंक्ड होता है। और सरकार जो होती है, अगर इस प्रकार की योजनाओं के द्वारा अगर कोई ऋण उनको या फिर कोई मदद पहुंचाती है, कोई धनराशि अगर उनको देती है, तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में देती है। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये के माध्यम से ये योजना जो इस योजना का जो लाभ है वो किसानों को मिल जाएगा। और कैसे लाभ मिलेगा, तो प्रति एकड़ 5,000 रुपये खरीफ फसल के लिए मिलेगा। किससे मिलेगा, तो जो संकटग्रस्त किसान है या वैसे किसान जो लघु लघु और सीमांत किसान है, किससे मिले लाभुक कौन होगा, तो वैसे झारखंड के वैसे किसान जो लघु मतलब कि छोटे किसान है और सीमांत किसान है, वैसे किसानों को ये लाभ मिलेगा। और झारखंड के लगभग 23 लाख ऐसे किसान हैं जिनको ये लाभ मिलेगा। अगर आंकड़ा देखा जाए तो 22,76,000, माफ कीजिएगा, 22,76,000 जो किसान हैं उनको ये लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का। तो आपने जाना मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के बारे में, लास्ट में मैं रिवीजन भी करा दूंगी। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में। ये क्या है झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, तो देखिए इसमें क्या है, इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2019 को चाईबासा से। झारखंड सरकार ने ये घोषणा की चाईबासा से कि एक योजना लॉन्च की जा रही है। कौन सी योजना है, झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। ये योजना का लाभुक कौन होगा, तो झारखंड की वैसी बेटियां जो जन्म से लेकर के 18 वर्ष के बीच की हों, जन्म से 18 वर्ष के बीच की जो बेटियां हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, ये लाभुक होंगी। और लाभ क्या मिलेगा, तो 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से। 27 लाख परिवारों की लड़कियों को इससे लाभ मिलेगा। और ये जो लाभ होगा 18 वर्ष तक की उम्र तक 6 किस्तों में दी जाएंगी। इसमें क्या होगा कि इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, कि साक्षरता दर को बढ़ाना। तो जो जो बच्चे बच्चियां हैं झारखंड की, जो बच्चियां हैं 0 से 18 वर्ष के बीच की, तो जब जैसे जैसे वो क्लास में अलग अलग, जैसे पहली क्लास में हो गई या 5वीं क्लास में हो गई, तो जब वो क्लास में आगे वो जाएंगी तब तब उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि 18 वर्ष तक बालिकाओं को साक्षरता देना या उनको शिक्षित करना पेरेंट्स के लिए अनिवार्य हो जाएगा अगर इसका लाभ लेना है तो। साक्षरता दर बढ़ेगी और साथ में बाल विवाह रोकना, तो और ये भी बाध्यता हो जाएगी कि 18 वर्ष के पहले बाल विवाह नहीं करना है बच्चियों का। अगर विवाह करने का जो उम्र है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तभी ये लाभ मिलेगा। और अगर वो बच्चियां, अगर किसी का बाल विवाह हो रहा है अगर आपको उसकी जानकारी है, तो आप एक टोल फ्री नंबर है 181, आप इस नंबर पे कॉल करके आप सूचित कर सकते हैं और बाल विवाह को रोक सकते हैं। तो ये नंबर से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सी हेल्पलाइन जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो झारखंड सरकार के द्वारा 181 जो टोल फ्री नंबर है वो चलाई जा रही है और इस पे आप बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार को सूचित कर सकते हैं और सरकार इसके लिए कठोर कदम उठाएगी। तो आपने जाना झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में, कितना लाभ मिलेगा, तो कुल मिलाकर के 40,000 रुपए लाभ मिलेंगे। और किसके माध्यम से मिलेगा, DBT के माध्यम से मिलेगा। किन बालिकाओं को मिलेगा, तो जन्म से 18 वर्ष के बीच की बालिकाओं को मिलेगा। और उसका उद्देश्य क्या है, तो झारखंड में बालिकाओं में साक्षरता को बढ़ाना और बाल विवाह को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब नेक्स्ट जो योजना है वो जानेंगे कि झारखंड सैया आरोग्य कुंजी योजना। इस ये 2019-20 में चलाया गया योजना है, झारखंड सैया आरोग्य कुंजी योजना। इस योजना, ये नई घोषणा है ये झारखंड सरकार की, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये घोषणा की। इसका उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी नागरिकों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो प्रदान की जाएं। झारखंड में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे जो लोग हैं उनको उचित स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए। उद्देश्य तो इसका महत्वपूर्ण ये भी है कि झारखंड के जो निवासी हैं जिनका जीवन स्तर न्यूनतम है, बहुत ही बुरी उनकी स्थिति है और वो काफी गरीब हैं, तो वैसे लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए।
तो और इस जिसके कारण राज्य का विकास जो है वो संभव हो सके और राज्य के निवासियों को उनको बुनियादी सुविधाएं जो है वो भी मिल सके। तो आपने जाना झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना के बारे में। अब नेक्स्ट योजना जो है वो है झारखंड वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन योजना। आप इसको नोट भी करते चले और स्क्रीनशॉट पहले आप एक ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, झारखंड वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन योजना, ये झारखंड की उन महिलाओं के लिए ये योजना चलाया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा, जो वृद्धावस्था पेंशन पाती हैं, जो विधवा पेंशन पाती हैं और जो विकलांगता यानी कि दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त करती हैं। और इसके अंतर्गत पहले से 600 रुपये उनको प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जा रहा था, लेकिन इस पेंशन की राशि को अब बढ़ा दिया गया है, अब 600 रुपये से 1,000 रुपया कर दिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता यानी कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत सहायता राशि 600 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। और ये पेंशन से जो लाभ मिलेगा वो लाभुक को डीबीटी के माध्यम से ही मिलेगा, उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आएगा और वैसा बैंक अकाउंट जो उनके आधार कार्ड से लिंक होगा। तो आपने जाना कुल मिलाकर के अभी चार प्रमुख योजनाओं को, जिसमें है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, दूसरा है झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, तीसरा है झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना और चौथा है झारखंड वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन योजना। चलिए हम लोग जानते हैं कुछ अन्य प्रमुख योजनाओं को जो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड राज्य के निवासियों को दिया जा रहा है। उसमें है झारखंड ब्याज मुक्ति फॉर्म ऋण योजना। ये योजना झारखंड के वैसे किसानों को दिया जा रहा है जिनकी इच्छा कृषि के अलावा डेयरी फॉर्म में भी अपने मतलब उनसे भी लाभ कमाने का है, तो वैसे किसानों को ये योजना दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं कौन क्या क्या है इस योजना का उद्देश्य और कौन इसके लाभुक हैं और कैसे लाभ मिल रहा है किसानों को। तो किसानों को 1 वर्ष के लिए 0% ब्याज दर पर ब्याज मुक्त फॉर्म ऋण प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है। तो उनको जो 1 वर्ष के लिए जो ऋण दिया जाएगा वो ब्याज मुक्त होगा, लेकिन ये सीमा होगी 1 ही वर्ष की। 1 वर्ष में के लिए उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, 1 वर्ष के बाद उनको ये ऋण जो है वो चुकाना होगा जो ब्याज मुक्त होगा। और इसका उद्देश्य क्या है इस प्रकार के ऋण देने का झारखंड सरकार का, तो इसका उद्देश्य है सफेद क्रांति को बढ़ावा देना। अब हम लोग जानेंगे सफेद क्रांति है क्या। तो सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये सफेद क्रांति जो है वो भारत में चलाई जा रही ये क्रांति है। जैसे कि हरित क्रांति था, कृषि को बढ़ावा देने के लिए वो चलाई गई थी, सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चलाई गई थी। तो सफेद क्रांति को और भी ज्यादा प्रबल करने के लिए, उसको और भी तेजी तेजी देने के लिए ये जो योजना है झारखंड ब्याज मुक्त फॉर्म ऋण योजना झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और इसके अंतर्गत डेयरी सेक्टर में 50% सब्सिडी दी जा रही है किसानों को। इससे क्या होगा कि किसानों की जो आय है वो 4 गुना वृद्धि बढ़ जाएगी। और ये जो योजना है वो प्रधानमंत्री की जो योजना है किसानों के आय को दुगुना करने की योजना, उसमें ये बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाने वाली है। सरकार का ये मानना है कि कृषि के साथ साथ कृषि के अन्य जो क्षेत्र हैं जैसे कि पशुपालन हो गया या डेयरी हो गया या फिर मत्स्य पालन हो गया, तो किसान उस पर भी ध्यान दें, उससे भी लाभ कमा सकते हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों, कृषि के ही अन्य दूसरे पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएँ जो हैं वो लाई जा रही हैं। और झारखंड सरकार का ये उद्देश्य है कि झारखंड के किसानों को कि आय को 4 गुना बढ़ा देना। इसके लिए उन्होंने योजना लाया झारखंड ब्याज मुक्त फॉर्म ऋण योजना। अब नेक्स्ट योजना जो है, माफ कीजिएगा, पहले मैं बता दूं कि इसका लाभ किसको मिलेगा। तो इसका लाभ वैसे किसानों को मिलेगा जो नया ऋण लेने वाले हैं। ऐसा नहीं कि पहले से जो किसान ऋण ले रखे हैं तो वैसे किसान नहीं होने चाहिए,
वैसे किसान होने चाहिए जो नए ऋण लेने वाले हैं, और वैसे भी किसान जो झारखंड के ही निवासी हैं। तो यानी कि जब उनको लाभ मिलेगा तो उनको वो दिखाना होगा कि वो झारखंड के मूल निवासी हैं, उनको अपना निवास प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा, तभी उनको ये लाभ मिलेगा। और ये भी बताना होगा कि उन्होंने पहले ऐसा कोई ऋण नहीं लिया है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट जो योजना है वो है झारखंड धान खरीद योजना। अब ये क्या है वो मैं आपको बता दूं कि किसानों को ये योजना से लाभ मिलेगा। और क्या लाभ मिलेगा? किसानों को मिलेगी 1750 रुपये प्रति क्विंटल MSP। तो यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जिसको कहते हैं, वो एक प्राइस जो होता है वो निश्चित कर दिया जाता है सरकार के द्वारा कि इस प्राइस में ही हम आपके जो उत्पादन है, कृषि का उत्पाद है, उसको हम लोग खरीदेंगे। तो ये निश्चित कर दिया गया है धान के लिए, और इसकी शुरुआत हुई है 27 नवंबर 2018 ईस्वी को, और झारखंड के किसान इससे लाभ लेंगे। और 1750 रुपये निश्चित कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा, इसको MSP के माध्यम से इसको निश्चित किया गया है धान की खरीद के लिए। नेक्स्ट जो योजना है वो है झारखंड SC ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। ये झारखंड के निवासियों के लिए भी ये योजना है, और वैसे निवासी जो झारखंड में हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य हैं तो उनको ये लाभ मिलेगा। और क्या है इस योजना में? तो इस योजना में लाभुक जो है वो कौन से हैं? तो राज्य के वैसे छात्र जो SC ST हों, उन्होंने UPSC की प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लिए हों और मुख्य परीक्षा की तैयारियों में लगे हों। तो जो पास कर लिए हैं तो उनको 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा दी जाएगी, ताकि उनकी तैयारी जो है वो बीच में ही बाधित ना हो और वो अच्छी तैयारी करने के बाद वो UPSC की परीक्षा को उत्तीर्ण कर सके, वो निकाल सके। तो इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, झारखंड SC ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये योजना, लाभ ले सकते हैं। और जो आप जो इसमें जो स्टूडेंट हैं जो SC और ST से आते हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं UPSC का तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ये लाभ ले सकते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है, खासकर UPSC की तैयारी जो होती है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी महंगी किताबों को लेना होता है, इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लेना पड़ता है, टीचर के हेल्प लेने होते हैं, तो इस कारण से जो खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लेकिन ये इस योजना का लाभ वही ले सकेगा जो पहली बार और एक बार ही वो लाभ ले सकता है। अगर वो पहले भी उत्तीर्ण किया हो UPSC की और सरकार के द्वारा कोई अन्य लाभ ले चुका हो तो वैसे विद्यार्थी जो हैं वो लाभ नहीं ले सकेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद फिर से UPSC क्लियर करते हैं और फिर से मुख्य परीक्षा देते हैं तो भी आप लाभ ले सकेंगे, एक बार ले लिए तो ले लिए। और झारखंड के जो वैसे भी छात्र जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होने चाहिए, ये सब बाध्यता है इस योजना को लाभ लेने के लिए। लेकिन बहुत अच्छा ये सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है, अलग अलग राज्यों ने भी इस तरह की योजना जो है अपने राज्य में चला रखे हैं। और झारखंड के बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात पता भी नहीं होगा कि झारखंड सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं जो हैं ये उनके लिए चलाई जा रही हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो योजना है वो है झारखंड मुफ्त मोबाइल योजना। झारखंड मुफ्त मोबाइल योजना का लाभ जो है वो झारखंड के किसान जो है वो ले सकेंगे। किसानों के पास मोबाइल फोन जो है, जो आज का स्मार्टफोन है, वो पहुंचाना सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने ये सपना देखा डिजिटल भारत का, तो उस सपने को पूरा करने में ये योजना है ये बहुत बड़ा अपना योगदान करेगी। कौन सी योजना? तो झारखंड मुफ्त मोबाइल योजना। इसमें क्या हो जाएगा कि अधिकतर किसानों के पास स्मार्टफोन आ जाएंगे, और उस स्मार्टफोन के माध्यम से जो किसान है अपने उत्पाद का, जो वो अपना जो उनके पास जो प्रोडक्ट है, धान है, गेहूं है, तो उसको अच्छे दाम में, अच्छे कीमत पे वो बेच सकेंगे। और पूरे भारत के
जो किसान हैं उनके साथ वो जुड़ सकेंगे, और साथ साथ जो ई नेम एक पोर्टल है उस पोर्टल के माध्यम से वो उनके लिए ये कार्य जो है वो सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा किसानों के लिए। अब चलिए हम लोग थोड़ा और जान जाते हैं क्या कैसे प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो झारखंड के 28 लाख किसानों को फ्री स्मार्टफोन देने की ये स्कीम है, ये योजना है, और इसका उद्देश्य है डिजिटल भारत बनाना। प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा डिजिटल भारत का, उस वैसे डिजिटल भारत को बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, और झारखंड के किसानों को ई नेम पोर्टल से जोड़ना। ई नेम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से किसान जो है अपने उत्पाद को सही कीमत पर बेच सकना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और विभिन्न पूरे देश के विभिन्न किसानों के साथ ये जुड़ जाते हैं, और नई नई तकनीकों को भी सीखने में ये जो पोर्टल है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो किसान में, आज के किसान में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उनको जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उस योजनाओं से कैसे वो लाभ प्राप्त करके कृषि को उन्नत कर सकें, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए अगला जो योजना है वो है झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये योजना का उद्देश्य है गरीबों पर उनकी बेटी की शादी के वित्तीय बोझ को कम करना। झारखंड के ऐसे बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो वैसे परिवार जिनका वार्षिक आय जो है वो 72,000 रुपये से कम हो तो वैसे परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं, झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का। और वैसे परिवार नहीं ले सकते हैं जिसके परिवार का कोई सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार में वो कार्यरत हो, तो वैसे परिवार के लड़कियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे जो परिवार हैं या जिनकी वार्षिक आय 72,000 से कम है तो वैसे परिवार के जो लड़कियां हैं उनको ये लाभ मिल जाएगा। लाभ के रूप में उनको 30,000 रुपये वित्तीय सहायता मिलेगी सरकार की तरफ से। तो झारखंड में जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं जैसे कि कृषिगत समस्या, फिर शिक्षा संबंधित समस्या, बालिका विवाह समस्या या साक्षरता की कमी वाली जो असाक्षरता की जो समस्या है वो समस्या, और फिर गरीबी की जो समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है उससे उसको ख़त्म करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही ये सारी योजनाएं जो हैं ये जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और आपके परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। एक बार मैं रिवाइज करा दूं आप लोगों को ताकि अच्छे से और भी याद हो जाए। देखिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये योजना किसानों के लिए लाई गई, डेट कौन सा था, 1 जनवरी 2019 को ये योजना लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि संकट को खत्म करना, किसानों को संकट से उबारना। इसका लाभुक कौन होगा, तो 22,76,000 होगा लघु और सीमांत किसान इससे लाभ ले सकते हैं, और लाभ कैसे मिलेगा, तो किसानों को खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे DBT के माध्यम से। नेक्स्ट है झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2019 को चाईबासा से, जो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय भी है। इसका लाभुक कौन होगा, तो झारखंड की बेटियां होंगी और जन्म से लेकर के 18 वर्ष की बेटियां जो है इसे लाभ प्राप्त कर सकती हैं। लाभ के रूप में इनको मिलेगा 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता, 6 किस्तों में इनको मिलेगी DBT के माध्यम से। 27 लाख परिवारों की लड़कियां इसे लाभ ले सकेंगी। इसका उद्देश्य ये है साक्षरता दर को बढ़ाना, बाल विवाह को रोकना। अगर आप बाल विवाह होते हुए देख रहे हैं या आपको पता चलता है उनके बारे में तो 181 नंबर पे आप कॉल करके सूचित कर सकते हैं सरकार को, बाल विवाह के खिलाफ ये बहुत बड़ा कदम होगा। नेक्स्ट है झारखंड सही आरोग्य कुंजी योजना, इसके अंतर्गत ये नई योजना है मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा चलाई जा रही योजना है। इसका उद्देश्य है प्रदेश के सभी नागरिकों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो मुहैया कराना। नेक्स्ट योजना है झारखंड वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन योजना। इसमें क्या किया गया है कि जो पेंशन 600 रुपये दिए जा रहे थे प्रति माह, अब उस पेंशन की राशि को 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, और DBT के माध्यम से भी योजना का लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट है झारखंड ब्याज मुक्त फार्म ऋण योजना। इसमें क्या है, किसानों को 1 वर्ष के लिए
0% ब्याज दर पर ब्याज मुक्त फॉर्म ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई है और इसका उद्देश्य है सफेद क्रांति को बढ़ावा देना, डेयरी सेक्टर में 50% की सब्सिडी जो है वो किसानों की आय को 4 गुना बढ़ाने में सक्षम होगी। नेक्स्ट, इसका लाभ किसको मिलेगा, तो नए ऋण लेने वाले किसानों को मिलेगा और झारखंड के ही किसानों को मिलेगा। नेक्स्ट है झारखंड धन खरीद योजना, इसमें क्या है किसानों को मिलेगी 1750 रुपये प्रति क्विंटल MSP, तो एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है जो निश्चित किया जाता है सरकार के द्वारा, तो वो निश्चित किया गया है 1750 रुपये, वो किसके लिए, तो धान की खरीद के लिए। झारखंड SC ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इस योजना का लाभ ले सकते हैं झारखंड के छात्र, और कौन से छात्र, जो SC ST के कैटेगरी में आते हों, और इन छात्रों को 1 लाख रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी झारखंड सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य है महादलित छात्रों को UPSC के द्वारा आयोजित सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करने में सक्षम करना। शुरुआत इसका हुआ था कब, तो 5 नवंबर 2018 को, इसके पहले मैंने इसे छोड़ दिया था, तो 5 नवंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट योजना है झारखंड मुफ्त मोबाइल योजना, डिजिटल भारत के सपना को पूरा करने के लिए इस प्रकार की योजना को लाया गया है और झारखंड के किसानों के लिए योजना को लाया गया है। लगभग 28 लाख किसान जो है उनको फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है डिजिटल भारत बनाना, ई नेम पोर्टल से किसानों को जोड़ देना। अगला योजना है झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसका उद्देश्य है गरीबों पर उनकी बेटी की शादी के वित्तीय बोझ को कम करना, और इसका लाभ कितना मिलेगा, तो 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता जो है वो दी जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।